हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड के त्रैमासिक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का साइंस का पेपर, विज्ञान का। तो आप देख सकते हैं, समय 2.5 घंटा है, पूर्णांक 80 नंबर है, और कुछ निर्देश दे रखे हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आप सभी को इस वीडियो में क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों चीज़ मिलेंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे। तो हम क्वेश्चनों के साथ साथ इसके आंसर भी बताते जाएंगे, तो चिंता ना करें। और जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, जिसमें है 5 सवाल हैं, हर एक सवाल 1 नंबर का है। तो पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर है अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान से संबंधित, तो आपको 5 सवाल हैं, 1-1 नंबर के रिक्त स्थान भरना है आपको। पहला सवाल है, चीनी का विलयन एक है समांगी या विषमांगी? तो इसका आंसर है समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का रेशे युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो इसका आंसर है स्क्लेरेन काइमा ऊतक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसने की थी कोशिका की खोज। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 ग्रह है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है? जस्ट 6 किलो कम। तो इसका 6 किग्रा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें धन होती है, ऋण होती है, किस आवेश की बनी होती है? तो यह है ऋण आवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही मिलान करना है, एक तरफ अधे रखा है, एक तरफ वैधे रखा है, तो आपको सही मिलान करना है। तो अमोनियम सल्फेट होता है NH4 2SO4। प्रोटियम होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा। जाइलम होता है पौधे में जल का सम्मेलन करना। ओजोन छिद्र होता है किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम, और कॉपी में लिखते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य वाले। तो पहला क्वेश्चन है, दूध में क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम लिखिए। तो दूध में क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम है अपकेंद्रीकरण विधि। क्या नाम है? अपकेंद्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है, आप एड्स को कैसे लिखेंगे? एड्स। तो इसका पूरा नाम है, ए से बनता है एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आगे बढ़ते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ। तो आपको इसमें एक सवाल में 2 सवाल देखने को मिलेंगे, आप सभी को याद कर लीजिए अभी। तो एग्ज़ाम में आपको जो याद रहे आप वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विषमांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधि लिखिए या फिर लिखिए यौगिक के 2 गुण कौन कौन से होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अणु क्या है, या फिर ये नहीं आता है तो आप कर सकते हैं रासायनिक सूत्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र के दो प्रमुख कार्य लिखिए, या फिर पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न है वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का सूत्र और एसआई मात्रक बताइए। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण किस पर डिपेंड करता है, वेग पर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत चाल से क्या तात्पर्य, और नाइन्थ क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम बताइए, या फिर ये नहीं आता है तो संवेग संरक्षण का नियम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, या फिर धातुओं के 3 अभिलक्षण लिखिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी आपकी फर्दर एग्जाम है उन सब की वीडियो आपको यहीं मिल जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।